1999 से अब तक गूगल प्राइवेसी पॉलिसी करीब 28 बार बदल चुकी है। साल 2017 में ही 3 बार गूगल ने गूगल प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किए थे। 2015 की बात करें तो कंपनी ने सबसे ज्यादा 5 बार प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किए हैं। गूगल ने 2015 में माई अकाउंट पेज को फिर से बदला, जिससे अब आप गूगल की सारी सर्विसेज को अलग अलग मैनेज करने के बजाय एक साथ मैनेज कर सकते हैं। जीमेल, गूगल ड्राइव, एंड्रॉइड फोन्स, यूट्यूब और भी गूगल एप्लीकेशन के साथ ग्लोबल सेटिंग्स में जाकर बदले जा सकते हैं। सबसे पहले आप privacy.google.com पेज जरूर पढ़ें। इसमें आपको गूगल प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां मिलेंगी। अब आप माई अकाउंट में जाएं, जहां आपको गूगल का डैशबोर्ड निम्न ऑप्शन के साथ दिखेगा। आप यहां 2 एक्शन एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, सिक्योरिटी चेकअप और प्राइवेसी चेकअप। योर डिवाइस, थर्ड पार्टी एसेस, रीसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी, 2-स्टेप वेरिफिकेशन। पॉपअप में जो भी आइटम येलो वार्निंग एक्सक्लेमेशन सर्कल दिखाता है, उसको जरूर सही कर दीजिए। थर्ड पार्टी एक्सेस उन ऐप या थर्ड पार्टी डिवाइस को बताता है जो आपके डाटा का उपयोग कर रहे हैं। अगर आपने एक्टिवेटेड 2-स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया है तो सबसे पहले इसका प्रोसेस कंप्लीट करें। अब आप माई अकाउंट सेक्शन में जाएं और साइन इन एंड सिक्योरिटी पेज के अंदर साइनिंग इन टू गूगल को क्लिक करें। यहां आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ऐप पासवर्ड अलग बना रखे हैं तो आपको अपने जनरल गूगल पासवर्ड की जगह उस पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। अकाउंट रिकवरी ऑप्शन को फिल करना ना भूलें। इसमें आपका वैकल्पिक ईमेल आईडी और फोन नंबर भरना होगा। ये किसी इमरजेंसी में आपका अकाउंट रिकवर करने में मदद करेगा। लिस्ट ऑफ सेफ पासवर्ड, यहाँ आप अपने सारे सेफ पासवर्ड की लिस्ट देख सकते हैं जो आपने अपने हर अकाउंट में डाल रखा है। प्राइवेसी चेकअप, अब आप अपने माई अकाउंट पेज पर प्राइवेसी चेकअप सेटिंग के लिए वापस जाएं। यहां जाकर आपने YouTube पर जो भी एक्टिविटीज कर रखी है उसे मैनेज कर सकते हैं। Google फोटोज प्राइवेसी, यहां जाकर आप Google फोटोज को मैनेज कर सकते हैं और फेस मैचिंग और जियो लोकेशन जैसे ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। हेल्प पीपल कनेक्ट विथ यू, यहां आप गूगल पर रजिस्टर्ड फोन नंबर को मैनेज कर सकते हैं। गूगल प्लस, यहाँ पर गूगल प्लस के सेटिंग को एडिट कर सकते हैं कि कौन आपकी प्रोफाइल देख रहा है और कौन आपकी फोटोज और मैसेजेस को देख सकता है। माई एक्टिविटी, अगर आप अपनी की हुई हर एक्टिविटी को एक साथ देखना चाहते हैं तो myactivity.google.com पेज पर जाएं, जहाँ आप हिस्ट्री देख सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। टेक आउट योर डाटा, यहाँ से आप अपने डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको takeout.google.com पेज पर जाना होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और अन्य जरूरी आइटम को सेव करने के लिए आप गूगल ड्राइव पर जा सकते हैं और इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं।